तो कैसी बनी है हमारी ये उपमा की रेसिपी? ये देखिए बिल्कुल खिली खिली और दानेदार बनी है ना, तो खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव की चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी का उपमा, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमने एक फ्राई पैन लिया, उसमें 2 बड़ी चम्मच तेल डाला है और सूजी हमने आधी कटोरी डाला है जो कि वेट में लगभग 60 से 70 ग्राम के आसपास है। तो तेल को हल्का हीट करके, तेल को ज़्यादा हीट नहीं करेंगे, तेल को हल्का हीट करके उसके बाद ये लगभग 60 से 70 ग्राम हमने जो सूजी लिया है आधी कटोरी के आसपास, उसे डाल के इसे अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे और इसका केवल हल्का कलर चेंज करना है। तो ये देखिए हमारा जो सूजी है इसका कलर चेंज हो रहा है और इसमें से खुशबू भी आ रही है। तो इसी प्रकार से आप फ्लेम को कम करके इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो ये देखिए फाइनली हमारा अच्छे से ये सूजी हमारा रोस्ट हो गया है। आप चाहे तो इसे घी में भी बना सकते हैं, हमने तेल में बनाया है, घी में बनाएंगे तो और ही ज़्यादा टेस्ट आएगा इसका। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस पे चलेंगे। तो इसके लिए हमने 3 कटोरी सूजी का 3 गुना हम पानी लेंगे। आधी कटोरी हमने लिया था सूजी, तो 1.5 कटोरी के आसपास हम लेंगे पानी और उसे गर्म करके रख लेंगे। और नेक्स्ट प्रोसेस पर हम चलेंगे, उसी फ्राई पैन में हम थोड़ी सी तेल और डालेंगे और मूंगफली को रोस्ट करके उसके बाद ये हमने बादाम के कुछ 7 से 8 टुकड़े डाले हैं। आप चाहे तो काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से डाल सकते हैं, किशमिश वगैरह भी डाल सकते हैं आप। तो इसको भी आप चाहे तो घी में भी रोस्ट कर सकते हैं, हमने तेल में इसे बनाया है तो घी में बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट आएगा। फिलहाल हमने तेल में ही बनाया है। तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस पर चलेंगे, उसी तेल में जो बचा हुआ था थोड़ी सी और तेल डाल के उसमें हम सरसों डालेंगे, काला सरसों। और उसके बाद हमने 4 से 5 छोटे साइज़ का प्याज लिया था और 5 से 6 हरी मिर्च, क्योंकि इसमें लाल मिर्च पाउडर हम नहीं डालेंगे और डाला भी नहीं जाता, तो हमने हरी मिर्च लगभग 4 से 5 तीखी वाली डाली है। और उसके बाद हम प्याज को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हमने ये कढ़ी पत्ता डाला है। तो इस रेसिपी में फ्रेंड्स कढ़ी पत्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बगैर कढ़ी पत्ता के उपमा को नहीं बना सकते हैं और वैसा टेस्ट भी नहीं आएगा जैसा कि उपमा का होना चाहिए। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि कढ़ी का पत्ता इसमें अवश्य डालें। और एक हमने बड़े साइज़ के टमाटर को बिल्कुल रफली चॉप किया था छोटे छोटे साइज़ों में। और उसके बाद प्याज भुनने के बाद हम इसे टमाटर को भी डाल देंगे और इसे भी हम लगभग 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। ये रेसिपी बनने में फ्रेंड्स 15 मिनट में ये फाइनली तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे हम नमक ऐड कर लेंगे, नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें, जिस हिसाब से आप मात्रा रखें सूजी का। तो नमक डालने के बाद हम इसे अच्छे से और पका लेंगे ताकि ये दोनों प्याज और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो सके। तो ये देखिए हमारा फाइनली टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो गया, ब्राउन भी हो गया है। तो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे सूजी जो हमने भून के रखा था। तो सूजी डालने के बाद हम इसे अच्छे से पहले मिला लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इसमें जो हमने गर्म पानी किया था उसे हम थोड़ी थोड़ी करके डाल के मिला के इसमें डालेंगे। तो फाइनली हम मिलाने के बाद इसमें मूंगफली और बादाम जो हमने रोस्ट करके रखा था उसे डाला है। अब हम यहाँ पे हम पानी ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स। तो पानी हमने थोड़ी थोड़ी करके यहाँ पे डाला है, आप इकट्ठा पानी नहीं डालें, देख लें कि किस हिसाब से इसका ये होगा। हालांकि आप 3 गुना इसका पानी इस्तेमाल करेंगे तो ये परफेक्ट मेजरमेंट इसका है। तो ये देखिए अब इतना पानी में ये बहुत ही बढ़िया से ये पकेगा। आप इसे यहाँ पे फ्लेम को थोड़ा कम ही रखें, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे और लगातार चलाते रहेंगे, छोड़े ना, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएगा। तो आप इसे लगातार इसी प्रकार से चलाते रहें। तो ये देखिए हमारा फाइनली उपमा बनके तैयार है फ्रेंड्स। और ये बिल्कुल खिली खिली है ना,
तो आप यहाँ पे घी या तेल थोड़ी सी ज़्यादा देंगे तो और ज़्यादा खिली खिली बनेगी। तो अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये हमारा सूजी का उपमा बन के तैयार है। और ये देखिए इसका टेक्सचर आप कितना खिला खिला सा है। तो आप भी इस तरीके से अपने घर में बना सकते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे, और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप चाहे तो गेस्ट आने के बाद इसे बहुत कम समय में इसे बना के दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो कैसी लगी रेसिपी आप अपने घर पर ट्राई जरूर करें फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन का दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।